प्रेज लॉर्ड एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आज परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर का वचन मती के आखिरी अध्यायों में कुछ इस तरीके से कहता है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें डायरेक्टली बोलता है कि हमें सुसमाचार शेयर करना है केवल नए लोगों को नहीं, परंतु आज बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो यीशु को जानते हैं, बैप्टिज्म ले चुके हैं, पर वो आज यीशु मसीह से दूर है। अगर हम शुरुआत के वचन में पढ़ते हैं या कहे ए पार्ट को पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ तक की सारी बातें आजकल के चर्चेस में हम देख सकते हैं, वो फॉलो करते हैं, वो जाते हैं या किसी को भेजते हैं अपने चर्च से, लोगों को चेला बनाते हैं, परंतु वो जो लास्ट की लाइन है इस वचन कहता है कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। पर आज क्या हो रहा है, चर्चेस में लोग बैप्टिज्म ले लेते हैं, परमेश्वर के बारे में सुन लेते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए चर्च में आते हैं, परमेश्वर का वचन सुन लेते हैं, परमेश्वर की बातें उनको अट्रैक्ट कर लेती है या परमेश्वर के लोग उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर वो बैप्टिज्म लेकर परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। क्यों आज लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं? उसका कारण यही है कि उनके पास राइट टीचिंग नहीं है, जो यीशु मसीह की आज्ञाएँ हैं वो नहीं है। अगर हम बाइबल में देखते हैं, अगर हम पुराने नियम में देख ले, डैनियल था, जोसेफ था और डेविड थे, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास लोग थे जो परमेश्वर का वचन जब उन्होंने पढ़ा, मनन किया, तो वो कभी भी अपने विश्वास से वापस नहीं गए, भले ही उनको ऐसी कई परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा जहाँ पर उनको मौत का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो परमेश्वर को छोड़कर नहीं गए। लेकिन हम दूसरा साइड देख सकते हैं, आज बहुत से लोग क्या है, परमेश्वर का वचन बिल्कुल हियाव से शेयर कर रहे हैं। मैंने दो तीन वीडियो देखी है, आपको भी आगे दिखा देंगे, कि ट्रेन में भी परमेश्वर का वचन हियाव के साथ शेयर किया जा रहा है, इवन फ्लाइट में भी परमेश्वर का वचन बहुत ही तेज़ी से शेयर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में प्रेम है, क्योंकि उनके हृदय में विश्वास है, वो चाहते हैं कि आज अगर मैं बचाया गया हूँ, मेरा उद्धार हुआ है, तो अगले व्यक्ति का भी जो यीशु को नहीं जानते हैं, जो यीशु से दूर हैं, उनका भी उद्धार हो, उनका भी विश्वास हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते, हमारा उद्धार नहीं हो सकता और कोई भी नाम इस पृथ्वी पर नहीं है जो हमें उद्धार दे सकता है। घटना मेरे प्यार लोगो, मैं एक शुभ संदेश सुना रहा हूँ। आज 30 साल हो गया इस नाम की घोषणा करता हूँ। मैं पापी था, मन से, वचन से, कर्म से, आदम से, जन्म से पापी था। मेरे पाप, मुझ पापी के लिए मुक्ति का मूल्य चुकाया, मिले दाम चुकाया, स्वर्गीय महिमा को छोड़कर धरती में मानव बनकर आया और मानव के बीच में रहा, जिसने अंधों को आंखें दिया, बहरों को सुनने शक्ति दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जीवित किया और मेरे पापों का पेमेंट उसने कर दिया। मेरे पापों का, मैं पापी था, जो अपने प्रेम की भलाई को उसने जो प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। Holy Ghost, awesome, buddy. God, but God made a way so that you can be righteous in His eyes. Because He is holy, He is righteous, and He is just. To die for you, you have to repent from your sins. Man's preaching the gospel. Change your mind. Dang. All your wicked ways. Hallelujah. मैंने आपको दिखाया कि कैसे दो व्यक्ति, एक इंटरनेशनल लेवल पर और एक नेशनल लेवल पर, यानी एक बाहर फॉरेन कंट्री में परमेश्वर का वचन फ्लाइट में शेयर कर रहे हैं और एक इंडिया में एक व्यक्ति ट्रेन में परमेश्वर का वचन शेयर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये हमारे देश में ही नहीं हो रहा है, परंतु हर एक देश में परमेश्वर का वचन इन दिनों में शेयर किया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का आगमन
निकट है। और लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का सच्चा प्रेम है, वो नहीं चाहते हैं कि उनके जो अन्य लोग हैं या उनके देश के लोग हैं या उनके आसपास के लोग हैं या उनके फ्रेंड्स हैं, कॉलीग हैं, वो नाश हो जाए। कई बार हम सोचते हैं कि हमें परमेश्वर के सुसमाचार शेयर करने का क्या मतलब है, इसका क्या फ़ायदा है, तो हम आपको बताना चाहते हैं। कई बार हम सोचते हैं, अरे मैंने इनको वचन सुनाया, ये तो परमेश्वर को नहीं जानना चाहते हैं, ये परमेश्वर से दूर हैं, ये परमेश्वर के लायक नहीं है। पर मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह के वचन को शेयर करना, उनका गॉस्पल शेयर करना, उनके प्रेम के बारे में शेयर करना हमारा काम है। आप ये टेंशन मत लीजिए कि वो यीशु मसीह को मानते हैं या यीशु मसीह को वो एक्सेप्ट करते हैं या वो यीशु मसीह को पास आकर उनसे प्रार्थना करते हैं या वचन पढ़ते हैं या प्रेयर करते हैं या ऐसा कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको यीशु मसीह के बारे में उनको बताना है और वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट करे, ये सारा प्रोसेस पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में होगा। लेकिन जब तक आप यीशु मसीह का नाम उन तक नहीं पहुंचाओगे, उसका प्रेम नहीं पहुंचाओगे, तो वो कैसे यीशु मसीह को जान पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप कई बार दुनिया भर में, हो सकता है यात्रा ना कर रहे हो, या हो सकता है आप कहीं बाहर जाकर परमेश्वर का वचन ना शेयर कर रहे हो, या हो सकता है कि जैसा आपने देखा आप सोच रहे हो, अरे मैं कहां पर जाकर परमेश्वर का वचन शेयर करूं। आपको बताना चाहते हैं, अगर आप अपने आस पड़ोस में देखो या अपने आप स्कूल में देखो, कॉलेज में देखो, ऑफिस में देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज परमेश्वर से दूर हैं, जो आज परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं। आप उन तक परमेश्वर के प्रेम को लेकर जाइए, आप उन तक यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर आगमन परमेश्वर का निकट है और परमेश्वर आ जाए और लोग नष्ट हो जाए। अगर आप एक भी आत्मा इस धरती पर बचाओगे तो आपको उसका बड़ा प्रतिफल मेरे प्रियो स्वर्ग में मिलेगा। तो आप इसी कोशिश में रहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा को यीशु मसीह के बारे में बता सके, यीशु मसीह के बारे में उन तक परमेश्वर का प्रेम आप प्रकट कर सके। तो आप सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं कि आप ज़रूर एक व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में इस साल ज़रूर बताएंगे। तो आप सभी को हम यीशु मसीह के नाम में आशीष करते हैं और सभी को जय मसीह।